हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आज की वीडियो का क्रेडिट जाता है मिस योगिता जी को। इन्होंने इंस्टाग्राम पे डीएम करके हमसे ये प्रश्न किया जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो इन्हीं के प्रश्न का उत्तर देने के लिए आज की वीडियो में हम मेट लाइफ, जो पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड है, इसका इस तरीके से डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे जो सबके लिए यूजफुल हो। तो इसी बात पर आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। अब पीएनबी और मेट लाइफ इन दोनों का जॉइंट वेंचर है, और भी पार्टनर है जो आगे उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले पीएनबी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये इंडिया की कह लीजिए कि काफ़ी पुरानी बैंक है, या पुरानी बैंक जितनी भी है उनमें से एक जाना पहचाना नाम है। 1894 में ये मार्केट के अंदर आई थी और 12,000 से ज़्यादा इसकी ब्रांचेज हैं हमारे पूरे देश के अंदर। तो इसका फ़ायदा मिलता है इस कंपनी को, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेटवर्क के रूप में काम करते हैं। बैंक में कस्टमर है तो वहाँ पर पॉलिसी सेल होता ही है। मेट लाइफ का हम बात करें तो मेट लाइफ यूनाइटेड स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है, राइट। और ये ऑर्गेनाइजेशन भी 1868 में, मतलब कि पीएनबी से पहले ये मार्केट के अंदर आ गई थी। और इसका जो असेट्स है 31 दिसंबर 2020 तक वो था 745 बिलियन डॉलर से ऊपर। अब पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है, इसके 3 से भी ज़्यादा पार्टनर है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको आगे पता चलेगी, लेकिन जो मेजर स्टेक होल्डरशिप है वो पीएनबी और मेट लाइफ के पास है। पीएनबी होल्ड करती है 30% शेयर कंपनी के, और मेट लाइफ होल्ड करती है यहाँ पे 32.05% शेयर। कब तक है ये डिटेल जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये 31 मार्च 2020 तक, अभी तक इतना ही था, ठीक है, 2020 तक। आने वाले फाइनेंशियल ईयर में पता चलेगा कि चेंज होता है या नहीं, अभी इतना ही है। अब ये है इनके पार्टनर की लिस्ट, और शेयर होल्डिंग किसकी कितनी है वो आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं, राइट। आपको क्योंकि इनके साथ में जम्मू कश्मीर जो बैंक है JNK, वो भी यहाँ पे है, ओके, इन्वॉल्व है इसमें। अब की पर्सन जो है वो है श्रीमान आशीष कुमार श्रीवास्तव जी, जो कि MD और CEO हैं इस कंपनी के। अब बात आती है यहाँ पे कनेक्टिविटी की, तो देखिए पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के 107 लोकेशन पे इनका ऑफिस अवेलेबल है, राइट। 100 मिलियन से ज़्यादा इनके पास कस्टमर है का बेस है, और 11,000 लोकेशन पे ये अवेलेबल हैं, जो इनके कस्टमर है 11,000 लोकेशन से इनको मिले हैं। तो बैंक का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो उन्होंने मेंशन भी किया है। कनेक्टिविटी की बात कर ही रहे हैं हम यहाँ पे, तो इनका एप्लीकेशन भी अवेलेबल है जिसका नाम है खुशी, राइट। अब कनेक्टिविटी की बात आती है तो कॉरपोरेट एजेंट भी गिने जाते हैं, जो कि हैं 31 मार्च 2020 तक। इंडिविजुअल एजेंट्स जिन्हें आप बोलते हैं ना इंश्योरेंस एजेंट हैं, ये वो 8,829 हैं 31 मार्च 2020 तक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इनकी जो वेबसाइट है वो भी यूज़र फ्रेंडली है, काफ़ी सिंपल है, और PV सिंधु जी इनकी जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब जब वेबसाइट सिंपल होती है तो वहाँ पे आपको क्लेम रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है बड़ी आराम से मिल जाती है, ठीक है। अब रेंज ऑफ प्रोडक्ट की हम बात करें तो सर्कल ऑफ लाइफ, ये टर्म्स ये यूज़ करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि इनके पास सभी तरीके के प्रोडक्ट हैं लाइफ स्टेजेस के लिए, राइट। और 2020 में 19 के आसपास इन्होंने प्रोडक्ट और अप्रूव्ड किए थे, ठीक है। और अपने क्लेम प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए इन्होंने 2020 में क्लेम अश्योर एक इनिशिएटिव लिया था, उससे इफ़ेक्ट मिला है, सच में मिला है, उससे अंतर आया है, वो आपको आगे चल के पता चलेगा, ठीक है। टोटल लाइफ प्रीमियम की अगर हम बात कर लें तो जब ये कंपनी शुरू हुई थी 2001-2002 में, जो उसका फाइनेंशियल ईयर रहा था, वहाँ पर 0.48 करोड़ रुपए का प्रीमियम आया था। लेकिन हम बात करें लास्ट फाइनेंशियल ईयर की, या क्योंकि अभी जो फाइनेंशियल ईयर उसकी रिपोर्ट तो आएगी, अब तक जो फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट आ चुकी है उसके बेस पे 2019 या 20 में देखें तो 5,506.96 करोड़ रुपए का प्रीमियम इन्होंने लिया। ये लाइफ प्रीमियम बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बात आती है प्रीमियम आ रहा है तो भाई सॉल्वेंसी रेशो भी देखा जाता है, और क्लेम रेशो भी देखा जाएगा, ICR भी देखा जाएगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सॉल्वेंसी रेशो क्या होता है? सॉल्वेंसी रेशो मान लीजिए एक सिंपल सा इंडिकेटर हो गया ये, कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो कैसी है, अगर कोई लॉन्ग टर्म जो डेप्थ होते हैं उनको मीटअप कर पाएगी या नहीं कर पाएंगी। अब इनका सॉल्वेंसी रेशो जो है दिसंबर 2014 से थोड़ा घटना शुरू हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। मार्च 2020 तक जो है ये घट के 1.89 तक आ गया है,
ठीक है, सॉल्वेंसी रेशो मिनिमम 1.50 होना चाहिए, मिनिमम से तो ज़्यादा ही है। क्लेम रेशो की बात करें अगर हम, तो 2015-16 में क्लेम रेशो थोड़ा घटा, क्योंकि 2014 में ज़्यादा था, फिर 2019 में रिकवर किया, 2020 में जो था और ज़्यादा बढ़ गया क्लेम रेशो, 97.18% हो गया। तो मतलब कि क्लेम रेशो के साथ में कंसिस्टेंस परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो ये हाई क्लेम रेशो में आ जाता है, अगर 90% जंप हो रही है, 80% अगर कंपनी जंप कर रही है तो वो हाई क्लेम रेशो कैटेगरी में आती है, और कंपनी अगर उसको मेंटेन कर पा रही है तो वो एक पॉजिटिव साइन बन जाता है कंपनी का, ठीक है। अब ICR की बात कर लें, ये मैं यहाँ पे इसलिए शो कर रहा हूँ कि जब कंपनी का क्लेम रेशो 96% जा रहा है तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि उसका जो ICR है वो 87% या 89% से भी ऊपर यहाँ पे गया है, जैसा आप स्क्रीन पे पढ़ पा रहे हैं, 2019-20 में 87.22% रहा। अब बात करते हैं कि कंप्लेंट पे, रिस्पांस पे, ये सब कितने रिस्पॉन्सिव है। तो ये सब चेक करने के लिए मैं ट्विटर पे गया, तो ट्विटर पे वहाँ पे जाके ज़्यादा तो मुझे कंप्लेंट्स वगैरह ट्विटर पे तो नज़र नहीं आई, लेकिन जो थी वो मैंने चूज़ करी हैं और आपके यहाँ पे नज़र आएंगी। तो ये रिस्पॉन्सिव रहे हैं, अगर किसी ने घटिया से घटिया भी कमेंट किया तो वहाँ पे भी इन्होंने रिस्पॉन्स दिया है, क्योंकि कुछ तो गाली भी लिख देते, वो तो यहाँ पे मैं शो नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, किसी ने कहा कि भाई इनसफिशियंट इनका स्टाफ है, मतलब भाई कैपेबल ही नहीं है। तो उन्होंने कहा आप इशू लिख के भेज दीजिए, क्या है ईमेल आईडी, indiaservice@pnbmetlife.co.in। और इसी तरीके से इनका जो एप्लीकेशन मैंने बताया था उसका भी जो रेटिंग है अच्छा नहीं है, 2.8 है, लेकिन वहाँ पे भी जो भी इनको कमेंट मिलता है, जो भी कोई वहाँ पे कमेंट मतलब फीडबैक या रेटिंग दी है, तो वहाँ पे भी ये इंगेज कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। जैसे कि आप इसी कमेंट को देख लीजिए जो इनकी एप्लीकेशन पे है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम था उसको इम्प्रूव कर दीजिए, तो बंदे ने वहाँ पे आके थैंक यू बोला, रेटिंग भी इम्प्रूव कर दी है। तो ये इंटरेक्टिव तो है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट तो है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो क्लेम में जो प्रॉब्लम आती है ना लोगों को, उससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, फ्रॉड हो जाता है कैसे हो जाता है उसका जो डिटेल है अभी आपको एंड कार्ड पे मिल जाएगा, वो वीडियोस आप देख लेंगे और ये डिटेल आप कंबाइंड कर लेंगे, तब जाके अगर आप प्रोडक्ट चूज़ करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट PNB MetLife के साथ अभी है, इनको कुछ चीज़ों पर तो काम करना पड़ेगा, चाहे वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात हो, चाहे प्रोसेसिंग की बात हो, वहाँ पे कुछ चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्स करते हैं, जो मुझे नज़र आया।